सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के आधार पर अब अयोध्या में मस्जिद निर्माण कार्य शुरू होने वाला है। फरवरी से मस्जिद निर्माण का कार्य शुरू हो सकता है। मस्जिद निर्माण समिति के प्रमुख हाजी अराफात शेख ने बताया कि मस्जिद निर्माण में 1 से 2 साल का वक्त लग सकता है। चलिए आपको अयोध्या में बनने वाली मस्जिद की भव्यता के बारे में बताते हैं। मस्जिद का निर्माण अयोध्या से 25 किलोमीटर दूर धनीपुर में हो रहा है। फवारे आदि लगाकर मस्जिद को खूबसूरत बनाया जाएगा। इसे मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मस्जिद के नाम से जाना जाएगा। मस्जिद में 5000 पुरुषों 4000 महिलाओं समेत 9000 लोग एक साथ नमाज पढ़ सकेंगे। धार्मिक कार्यों के अलावा मस्जिद परिसर में चिकित्सा, शैक्षिक और सामाजिक सुविधाएं भी होंगी। मस्जिद परिसर में 500 बेड वाला कैंसर अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, म्यूजियम, पुस्तकालय आदि बनाए जाएंगे। मस्जिद में दुनिया की सबसे बड़ी कुरान भी रखी जाएगी, जिसकी ऊंचाई 21 फीट और चौड़ाई 36 फीट होगी। निर्माण से पहले मस्जिद की ईंट की खूब चर्चा हो रही है। इस खूबसूरत ईंट पर कुरान की आयतें लिखी गई हैं, जिसे नींव में डाला जाएगा। हाजी अराफात शेख ने बताया कि शिलान्यास के लिए इमाम हरम को बुलाने की तैयारी है। इसके अलावा देश दुनिया के तमाम बड़े इमामों और मौलवियों को बुलाया जाएगा। के एंडिंग में हमारा मस्जिद ट्रस्ट के हम लोग सब लोग बैठ के बात करेंगे कि मुंबई से के हमारे पीर सरकार पीर आदिल बीजापुरी, उनके बेटे बीजापुर से निकलेंगे। ये ईंट अजमेर शरीफ जाएगी। अजमेर से मुंबई से हम लोग एक साथ सारे पीरों के साथ 1000 से ज़्यादा पीर और उलमा यहाँ से निकलेंगे और अयोध्या में पहुँचकर इंशाल्लाह ताला वो ईंट पेश करेंगे। फरवरी या रमज़ान बाद आगे पीछे हो सकता है, तो वो उस दौरान ही हम करेंगे और काम शुरू किया जाएगा। जब मस्जिद पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो हमारी कमेटी पूरे दुनिया में, जैसे सऊदी अरब, दुबई, बहरीन, मस्कत, कुवैत, ऐसी कई कंट्री के जो प्रिंस है, वहाँ के बड़े बड़े इमाम हैं, उनसे जब बातें की जाएगी और उनको इनवाइट किया जाएगा, जिसमें हरम के इमाम साहब को भी इनविटेशन दिया जाएगा। और हम चाहेंगे कि इमाम हरम आए और पहली नमाज वो अदा करवाएंगे, ताकि देश और दुनिया के लिए उनका पहला कदम पड़ेगा और देश और दुनिया के लिए और अयोध्या के लिए, और खूब सारी दुआएं करें, यहाँ पे नफरतें मोहब्बतों में बदल जाए और ये देश खुशहाल हो जाए और ये देश दुनिया का नंबर वन देश। गौरतलब है 2019 में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो दूसरी ओर अयोध्या से 25 किलोमीटर दूर धनीपुर में मस्जिद का निर्माण भी होने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।